Hello everyone, my name is Shambhavi and welcome back to my channel Fun with Data Science. So, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एरर्स के बारे में। हम लोग ने जब पाइथन पढ़ने स्टार्ट किए थे अपने फर्स्ट वीडियो में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एरर्स देखने वाले हैं। एरर्स मतलब मैंने आपको पहले टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स बताया। अब अगर आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं और उसमें किसी तरीके की एरर आ रही है, तो उनके भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं, तो आज हम लोग उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आती है हमारी आज का टुडेज एजेंडा कि हम लोग आज क्या डिस्कस करने वाले। तो बेसिकली आज हम लोग सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर और हाउ टू कमेंट अ लाइन, इन तीनों चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होती है, बेसिकली कैसे हम लोग इनको डील करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मेरा स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहले मैं आती हूँ सिंटेक्स एरर पे। तो यहाँ पे सिंटेक्स एरर के लिए मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, सबसे पहले मैं उसको पढ़ती हूँ, फिर आपको बताऊंगी कि इसका बेसिकली मतलब क्या होता है। तो सिंटेक्स एरर आर द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ एरर्स। They arise when the Python parser is unable to understand a line of code. Most syntax errors are typos, incorrect indentation, or incorrect arguments. So basically, syntax error वो type के error होते हैं, जैसे कि आप कोई like let's say आप कोई condition लिख रहे हैं, आपने if else condition लगी, और हम लोग जब Python में if else की condition लिखते हैं, तो उसके बाद में हम लोग को एक सिंटेक्स होता है। सिंटेक्स उसका ये होता है कि इफ और एल्स जो भी हम यूज कर रहे हैं, उसके बाद हमको वहां पर एक कोलन लगाना होता है। अगर आपने वो कोलन मिस कर दिया, तो वो हो जाती है हमारी सिंटेक्स एरर। हम लोग के में पाइथन में होता है कि जब हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, तो प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर अगर हमें कुछ प्रिंट करना होता है, तो उसके लिए हम लगाते हैं सेमी कोट्स। अगर मैंने वो सेमी कोट्स नहीं लगाए, तो मेरी हो जाती है सिंटेक्स एरर। मैं आपको दिखाती हूँ ये सब चीजें एक बार यहाँ पर लिख के। सबसे पहले एक सेकंड ब्लैक कलर चूज कर लेती हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पर कुछ लिख रही हूँ। ओके, मैं इसको थोड़ा लाइक थिन कर लेती हूँ। ओके, लेट्स से मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट। ओके, और मैंने प्रिंट के अंदर यहाँ पर जो सेमी कोट्स लगाया, और मैंने यहाँ पर लिखा हेलो। ओके, और मैं यहाँ पे दूसरे साइड सेमी कोट्स लगाना भूल गई। तो जब भी मैं इस प्रोग्राम को रन करने वाली हूँ, तो मुझे ऐसा एरर मिलेगा कि सिंटेक्स एरर। तो सिंटेक्स एरर क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ एक साइड यहाँ पर सेमी कोट्स लगाया, मैं दूसरे साइड सेमी कोट्स यहाँ पर लगाना भूल गई। मेरी जो इफ एल्स कंडीशन होती है, हमारा सिंटेक्स होता है इफ, यहाँ पर जैसे कंडीशन लगाई ए ग्रेटर दैन बी, और यहाँ पर हम लोग कोलन लगाते हैं, यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर बाहर आकर एल्स लिखते हैं, फिर वापस कोलन लगाते हैं, फिर प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं। ये चीज मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करी है थोड़ी सी डिटेल में, तो आप उसको एक बार देख सकते हैं जाके, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पर ये कोलन मिस कर दिए, तो ये हो जाएगा मेरा सिंटेक्स एरर। तो इस तरीके से होते हैं हमारे सिंटेक्स एरर्स। अब मैं आपको इसके नेक्स्ट पेज पर लेके चलती हूँ, वहां मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाती हूँ, फिर हम लोग चलते हैं डायरेक्टली पाइथन पर एग्जाम्पल्स को इम्प्लीमेंट करने। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिख रखे सिंटेक्स के, सिंटेक्स एरर के। अब यहाँ मतलब इस पूरे प्रोग्राम पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि अभी हमारा बेसिक से एकदम सेकेंड वीडियो है, इसलिए आपको शायद से चीजें समझ ना आए। अगर आपने पहले से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे धीमे धीमे समझ में आएंगी। बट यहाँ पे मैं क्या बताना चाहती हूँ कि सिंटेक्स एरर्स क्या होती है, ठीक है। अब ये देखिए, लेट से मैंने यहाँ पर इफ एल इफ और एल्स। अब हम लोग जब C या C प्लस प्लस यूज करते हैं, तो बेसिकली उसमें क्या करते हैं, अगर हम लोग को नेस्टेड मतलब कई सारी कंडीशन लगानी होती है, तो उसमें हम लोग इफ एल इफ एल्स इफ देन एल्स कुछ इस तरीके से यूज करते हैं। पाइथन में हम लोग क्या करते हैं, पाइथन में यहाँ पर एल्स इफ यूज नहीं होता है। पाइथन में अगर आपको एल्स इफ यूज करना है, तो उसके लिए होता है एल इफ। तो इस तरीके से एल इफ लिखा जाता है एल्स इफ की जगह। तो एक ये हमारी सिंटेक्स एरर है कि आपने जो सिंटेक्स है वही रॉन्ग दिया। पाइथन का सिंटेक्स क्या होता है एलिफ एल्सिफ कंडीशन को यूज करने के लिए, वो होता है एलिफ। ये जो एल्सिफ है, ये सी और सी प्लस प्लस में होता है, बट पाइथन में ये नहीं होता है, इसलिए मुझको यहाँ पर मिला सिंटेक्स एरर, इनवैलिड सिंटेक्स। तो इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पर गलत सिंटेक्स लगा दिया, मुझको यहाँ पर एलिफ लगाना चाहिए था एल्सिफ की जगह। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। फिर नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पर इन सेमी कोलन्स को लगाना भूल जाती, तो भी मुझको यही देता सिंटेक्स एरर, इनवैलिड सिंटेक्स, क्योंकि वहां पर मैंने मिस्टेक कर रखी। अब अगर आपको ये एग्जांपल दिख रहा हो, एक सेकंड मैं इसको जूम करती हूँ थोड़ा, मैं यहाँ से इसको कैंसिल करती हूँ। और ओके, और ये यहाँ पे, अब ये जो मैंने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट यूज करी है, प्रिंट कोडिंग फॉर बिगिनर्स इन इजी स्टेप, अब यहाँ पर भी मुझको दे रहा है एरर। देखिए यहाँ पे मुझे क्या मिली, मुझे यहाँ मिली एंड ऑफ लाइन व्हाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरल। इसका मतलब क्या है, इधर पे ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर एक कोलन एक सेमी कोट्स लगाया है, स्टार्टिंग तो करी है सेमी कोट्स की, बट प्रिंट स्टेटमेंट के मैंने अंदर सेमी कोट्स को एंड नहीं किया है। तो ये हो जाती है हमारी सिंटेक्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है, उसके अंदर मैंने सेमी कोट्स लगाए हैं,
और मैंने उसके अंदर कुछ लिखा, बट मैंने उन सेमी कोट्स को क्लोज नहीं किया है, तो मुझको सिंटेक्स एरर देगा। और किस तरीके की सिंटेक्स एरर देगा? ये होगा एंड ऑफ लाइन एंड ऑफ लाइन व्हाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरल। सो बेसिकली ईओएल का फुल फॉर्म है एंड ऑफ लाइन। तो इस तरीके से होती है हमारी सिंटेक्स एरर्स। अब मैं चलती हूँ एक बार पाई चार्म पे, और यहाँ पर आपको सिंटेक्स एरर्स के बारे में थोड़ा प्रोग्राम लिख के दिखाती हूँ। मैं एक मिनट इसको यहाँ पे कॉमेंट आउट कर दूं। ओके, और मैं इसको थोड़ा जूम इन करती हूँ अब। एंड ओके, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, मैं यहाँ पर अपना पहला प्रोग्राम लिखती हूँ। लेट से मैंने यहाँ पर लिखा, जो मैंने वहां पर एग्जाम्पल देख रहे हैं वही लिख के दिखाती हूँ। लेट से मैंने यहाँ लिखा प्रिंट, और मैंने सिर्फ स्टार्टिंग वाला लगाया। मैंने लिखा कि हेलो पाइथन। ओके, पी वाई हेलो पाइथन मैंने लिखा। अब मुझे यहाँ पे जो पाइथन है, पाइथन पे ऑलरेडी रेड लाइन दिखा रहा है। देखिए, रेड लाइन का मतलब ये होता है कि आपने इसमें कुछ मिस्टेक कर रखी है। तो अगर आप पहले इस मिस्टेक को सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, बट मैं इसको यहाँ पर एक बार रन करके दिखाना चाहती हूँ किस तरीके की एरर्स आती हैं। तो मैंने इसको यहाँ पर रन किया, और रन करने के बाद देखिए मुझको यहाँ पर क्या एरर मिली, सिंटेक्स एरर एंड ऑफ लाइन व्हाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरल। यही एरर मैंने आपको वहां पर दिखाई थी जब मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाया था। ठीक है, तो ये एरर होती है अगर आप यहाँ पे सेमी कोट्स लगाना भूल गए। मैं वापस लगा देती हूँ, और जब मैं प्रिंट करूंगी तो मुझे यहाँ पे आउटपुट मिलेगा दैट इज हेलो पाइथन। ये देखिए, तो इस तरीके से होती है हमारी सिंटेक्स एरर्स। इस तरीके से सिंटेक्स एरर्स होती हैं, इस तरीके से हम लोग इनको डील करते हैं, राइट। तो ये था हमारा सिंटेक्स एरर्स के बारे में। अब मैं यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड। ओके, अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट चलती हूँ। नेक्स्ट चल के हम लोग देखते हैं लॉजिकल एरर्स क्या होती है। सो बेसिकली लॉजिक एरर्स अकर व्हेन देयर इज अ फॉल्ट इन द लॉजिक और स्ट्रक्चर ऑफ द प्रॉब्लम। लॉजिक एरर्स डू नॉट यूजुअली कॉज अ प्रोग्राम टू क्रैश, हाउएवर लॉजिकल एरर्स कैन यूज अ प्रोग्राम टू प्रोड्यूस अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। ठीक है, लॉजिकल एरर, देखिए लॉजिकल एरर जैसा नाम है लॉजिक, इसका मतलब यही है कि आपके लॉजिक में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये एक इस तरीके की एरर्स होती हैं जिसमें कि लॉजिक आप जो लिखते हैं उसमें कुछ फॉल्ट हो जाती है, बट आपको जब आप प्रोग्राम रन करते हैं तो आपको एरर कहीं नहीं शो करेगा, लेकिन आपको जो डिजायर्ड आउटपुट है आपको डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगा, वो वहां पे आपको रॉन्ग आउटपुट देगा। लेट से यहाँ पर क्या लिखा है, लॉजिक एरर्स डू नॉट यूजुअली कॉज अ प्रॉब्लम टू प्रोग्राम टू क्रैश, हाउएवर लॉजिक एरर्स कैन कॉज अ प्रोग्राम टू प्रोड्यूस अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मतलब कि आपने जो भी प्रोग्राम लिखा है उसमें आपको जो आउटपुट चाहिए है आपको वो आउटपुट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि आपने पहले से लॉजिक में कुछ यहाँ पर मिस्टेक कर रखी होगी। अब इन एग्जाम्पल्स को देखिए, यहाँ पे मैंने सिर्फ आउटपुट लिया है एक एग्जाम्पल का, ये वाला एंटर फॉल्स वैल्यू। लेट्स से किसी यूजर ने कोई प्रोग्राम लिखा, राइट, उसमें उसने कहा कि एंटर फॉल्स वैल्यू, तो यहाँ पे उसने 5 एंटर करा, फिर उसने लिखा एंटर सेकेंड वैल्यू, तो उसने सेकेंड वैल्यू में 3 एंटर कर दिया। और जब उसको जो द सम इज जीरो, जब उसने उसको रन किया तो उसको जो सम है वो जीरो मिला, बट ये तो रॉन्ग है ना, क्योंकि 5 + 3 का जो सम होता है वो तो 8 होता है, और उसको यहाँ पे जो आउटपुट है वो जीरो मिल रहा है। तो यही होते हैं लॉजिकल एरर्स, इसी को हम लोग कहते हैं लॉजिकल एरर। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि लॉजिकल एरर्स क्या होती। ओके, तो ये ठीक है, ये एक सिंपल से एग्जांपल था लॉजिकल एरर का। अब ये सेकंड वाला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम लिखा है, उसमें यहाँ पे कुछ लिखा है, लेट्स पढ़ते हैं क्या लिखा है। एना स्कोर्स 80 इन हर टेस्ट, हाउएवर व्हेन शी पुट्स हर स्कोर इनटू द प्रोग्राम इट डिस्प्लेज अ सी ग्रेड एंड नॉट द एक्सपेक्टेड बी ग्रेड। ओके, ये देखिए यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा है, इस प्रोग्राम को मैं एक मिनट जूम करती हूँ। आई होप मैं जूम, हाँ मैं इसको जूम कर देती हूँ, बट मैं वापस उस पर पेन अपना यूज नहीं कर पाऊंगी, तो मैं सब ऐसे ही समझाऊंगी। ओके, और ये रही मेरी जूम। ओके, ठीक है, ये है मेरा प्रोग्राम। इसमें लिखा है इफ स्कोर ग्रेटर देन 50 प्रिंट सी, एल इफ स्कोर ग्रेटर देन 75 प्रिंट बी, एल इफ स्कोर ग्रेटर देन 85 प्रिंट ए। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ कंडीशन लगाई, अगर स्कोर 50 से बड़ा है तो सी प्रिंट कर दो, अगर स्कोर 75 से बड़ा है तो बी प्रिंट कर दो, और अगर स्कोर 85 से बड़ा है तो ए प्रिंट कर दो। कंडीशंस ठीक है मेरी, यहाँ पर मुझे कोई एरर नहीं मिला। अब इसमें एक है एना, लेट्स से किसी स्टूडेंट का नाम है एना, उसको 80 मिले उसके टेस्ट में। ठीक है, उसने जब अपना जो आउटपुट है, अपना जो 80 मार्क्स है इस प्रोग्राम में रखा, तो तब भी उसको आउटपुट सी मिल रहा है, बट यहाँ पर उसको आउटपुट तो बी मिलना चाहिए, क्योंकि बी में है कि जिसका स्कोर 75 से बड़ा है उसको आउटपुट बी मिले, उसको मतलब बी ग्रेड मिलेगा।
बट उसको सी ग्रेड क्यों मिल रहा है? अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहली मेरी जो कंडीशन है, इफ स्कोर ग्रेटर दैन 50, क्या ये कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रही है? स्कोर क्या है? 80. 80 बड़ा है 50 से? यस है. तो उसने यहाँ पर सिंपली हमको प्रिंट सी कर दिया. वो उसके बाद नीचे की कंडीशंस में जाएगा ही नहीं, क्योंकि जो पहली हमारी कंडीशन है वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि हमारा 80 मतलब जो स्कोर है वो 50 से बड़ा है. तो नेक्स्ट कंडीशन में जाएगा ही नहीं. तो यहाँ पर इसको हम लोग कहते हैं लॉजिक एरर. मतलब कि अगर एना के 80 मार्क्स आ रहे हैं तब भी उसको सी ग्रेड मिल रहा है. क्यों? क्योंकि हमने हमने जो अपना प्रोग्राम लिखा है उसमें कुछ लॉजिक में हम लोगों ने यहाँ पर मिस्टेक कर दी है. अब इसको सही करने के लिए क्या कर सकते हैं कि सही करने पे यहाँ पर एक कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर इफ स्कोर ग्रेटर दैन 50 एंड लेस दैन 70 तो प्रिंट करो कि आपका सी ग्रेड है. एलिफ स्कोर ग्रेटर दैन 75 एंड लेस दैन 80 तो प्रिंट करो बी. तो मतलब यहाँ पर एक क्या यूज होना, यहाँ पर एक एंड कंडीशन और यूज होनी है कि अगर स्कोर 50 से बड़ा है और 70 से कम है तब सी ग्रेड प्रिंट करो. तो इस तरीके से जब कंडीशंस यूज करेंगे तो यहाँ पर एलिफ कंडीशन में क्या करेंगे, अगर स्कोर 75 से बड़ा है और 85 से छोटा है तो बी प्रिंट करो. तो हमारी जो स्कोर है 80, वो अगर हमने फर्स्ट कंडीशन लिखी इफ स्कोर ग्रेटर दैन 50 एंड लेस दैन 70 तो इस कंडीशन में हो जाएगा ही नहीं, क्योंकि हमारा जो स्कोर है वो 50 से तो बड़ा है लेकिन 70 से भी बड़ा है. और हमारी कंडीशन क्या है, अगर स्कोर 50 से बड़ा हो और 70 से छोटा हो तभी वो यहाँ पर रहेगा. तो फिर वो हमारी एलिफ कंडीशन में चला जाएगा और यहाँ पर ऐसा आउटपुट हमको बी मिल जाएगा. तो ये होती हैं लॉजिकल एरर्स. अब मैं एक बार पाई चार्ट पे चलती हूँ, आपको एक सिंपल एग्जांपल दिखाती हूँ लॉजिकल एरर्स का. ठीक है, लेट से मैंने यहाँ पर एक वैल्यू ली ए इज इक्वल टू 3. ठीक है, मैंने दूसरे ली बी इज इक्वल टू 6. मैंने दो वैल्यूज ली, ए और बी, दो वेरिएबल बनाए, उनमें दो वैल्यूज स्टोर करी 3 और 6. अब मैं यहाँ पर क्या चाहती हूँ, मैं इनका मीन निकालना चाहती हूँ, मीन. ओके, अरिथमेटिक मीन. तो लेट से मैंने एक सी वेरिएबल लिखा और मैंने सी वेरिएबल पे लिखा ए प्लस बी बाय 2. ठीक है, मैंने ए प्लस बी बाय 2 यहाँ पर लिख दिया और मैंने यहाँ पर आउटपुट में जो है सी को प्रिंट कर दिया. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मीन निकालने का यही फॉर्मूला होता है ए प्लस बी बाय 2. तो मैंने यहाँ पर सी को प्रिंट कर दिया. अब मैं इस प्रोग्राम को रन करती हूँ तो मुझे यहाँ पे आउटपुट क्या मिला, 6.0. क्या ये रियल मीन है हमारा? नहीं, ये मेरा रियल मीन नहीं है जो मुझको मिलना चाहिए. अब मैं बताती हूँ कि ये आपको आउटपुट यहाँ पर गलत क्यों मिला. लेट सी, मैंने यहाँ पर मैं एक सेकेंड, लेट मी चूज अ डिफरेंट कलर. पर्पल एंड दिस वन. लेट सी, मैंने यहाँ पर जो ए लिया था तो मैंने ए की वैल्यू क्या रखी थी, ए की मेरी वैल्यू 3 थी, बी की वैल्यू मेरी 6 थी. अब मुझे यहाँ पर अरिथमेटिक मीन निकालना था, मैंने a प्लस बी बाय 2 किया और मैंने सिंपली प्रिंट c कर दिया. मैं लिख भी देती हूँ प्रिंट c. अब यहाँ पर हो क्या रहा है, ढंग से ध्यान दीजिए थोड़ा, कि मैंने लिखा c इज इक्वल टू a प्लस बी बाय 2. इसमें हुआ इक्वल टू a की वैल्यू 3 है प्लस b की वैल्यू 6 है, b बाय 2. यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारा आउटपुट हो रहा है. अब यहाँ पर हमारा अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस बी बाय 2. ये होता है हमारा अरिथमेटिक मीन. और मैंने यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाया है, मैंने यहाँ पर लगाया a प्लस बी बाय 2. मैंने इस तरीके का यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया, इस वजह से मुझको यहाँ पर क्या मिल रही है, मुझे एरर मिल रही. तो ये होती है हमारी सिंटेक्स एरर. जब मैं यहाँ पर इस वाले सी को कैलकुलेट करूंगी, दैट इज 3 प्लस 6 बाय 2. तो जब 6 को 2 से डिवाइड किया तो मुझे यहाँ 3 मिला और 3 प्लस 3 मुझे यहाँ पर 6 मिल गया. और 6 मेरा जो है वो रियल अरिथमेटिक मीन नहीं है. ये रियल अरिथमेटिक मीन तो नहीं है, बट अब मैंने जो अरिथमेटिक मीन निकालना चाहा था मैंने उसके लिए यहाँ पर एक गलत सिंटेक्स यूज कर दिया. सॉरी, मैंने यहाँ पर गलत लॉजिक यूज कर दिया. मैंने क्या कर दिया, मैंने a प्लस बी बाय 2 ये यूज कर दिया. बल्कि मुझे क्या चाहिए था, मुझे ये वाला लॉजिक चाहिए, दैट इज a प्लस बी बाय 2. तो अब मैं इसके लिए क्या करूंगी, मुझे इसके लिए सिंपली यहाँ पर जब इसको यहाँ पे मैं हटाऊंगी और मैं लिखूंगी c इज इक्वल टू a प्लस बी, इसको पूरा यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट लगाऊंगी और फिर सिंपली 2 से डिवाइड कर दूंगी. तो इसका मतलब है सबसे पहले a प्लस बी को एड करेंगे और 2 को डिवाइड कर देगा और यहाँ से मुझको आउटपुट मिलना चाहिए 4.5, बिकॉज 6 प्लस 3 इज 9 और 9 को जब 2 से डिवाइड करो तो 4.5 मिलेगा.
अब मैं वापस पाई चार्ट पे चलती हूँ, तो अब आपको लॉजिकल एरर समझ में आई होगी क्या होती है। मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाती हूँ और मैं वापस इस प्रोग्राम को रन करती हूँ। अब मुझे यहाँ पे सही आउटपुट मिल रहा है, दैट इज 4.5। तो इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं, मतलब ये होती है हमारी लॉजिकल एरर्स। अगर आपने अपने लॉजिक में कोई मिस्टेक लगा दी है, कोई मिस्टेक कर दी गलती से, तो आपको डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगा, आपको एरर भी नहीं मिलेगी, लेकिन आपको जो आउटपुट चाहिए है, जो सही आउटपुट है, वो भी नहीं मिलेगा। राइट, ये होता है हमारी लॉजिकल एरर्स। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैं क्या बताने वाली हूँ कि हम लोग किसी लाइन को पाइथन में कमेंट कैसे करते हैं। देखिए, लेट से मैंने यहाँ पर कुछ लिखना चाहा, लेट से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सिंटेक्स एरर क्या होती है। तो मैं यहाँ पर सिंपली शिफ्ट और हैश सिंबल को मैं जैसे यूज करूंगी, तो ये साइन होता है लाइन को कमेंट करने का। लेट से मैं यहाँ पर सिंटेक्स एरर लिखना चाहती हूँ। अब ये जो कमेंट है किस लिए काम आते हैं, बेसिकली तब काम आते हैं जब आप किसी चीज को यहाँ पर बताना चाहते हैं। लेट से आप कोई चीज ऐसा लिखना चाहते हैं बट वो रन ना हो। ओके, लेट से आप बहुत सारे प्रोग्राम एक में लिख रहे हो और आप फिर उसमें कुछ लाइंस को कमेंट करना चाहते हो, तो तब यहाँ पर एक कमेंट सिंबल यूज आता है कि आप उसको कमेंट करके वहां लिख दो, वो रन नहीं होगा। बट अगर आप कभी आगे अपना प्रोग्राम पढ़ोगे जाकर, तो आपको एटलीस्ट ये याद में आ जाएगा कि अच्छा ठीक है, इस प्रोग्राम में मैं ये कर रहा था। तो यहाँ पर एक कॉमेंट लगाकर आप यहाँ पे ऐसे हम लोग कॉमेंट्स लिखते हैं पाइथन में। अब यहाँ पर एक चीज और है कि अगर आपको कई सारी लाइन्स को एक साथ सेलेक्ट करके कॉमेंट करना हो, तो कॉमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल और बैक स्लैश आप प्रेस कर दीजिए, तो यहाँ पर सारी लाइन्स यहाँ पर कॉमेंट हो जाती है, कंट्रोल प्लस बैक स्लैश। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कॉमेंट्स यूज करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में। तो मैंने बस थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था, जैसे जैसे आगे प्रोग्राम्स लिखते जाएंगे वैसे वैसे आपको कॉमेंट्स के बारे में और अच्छे समझ में आता जाएगा कि बेसिकली हम लोग क्यों यूज करते हैं कॉमेंट्स को अपने पाइथन प्रोग्रामिंग में। सो आई होप मैंने आज आपको एरर्स के बारे में क्लियर किया, सिंटेक्स और लॉजिकल एरर्स, इन दोनों के बारे में कि बेसिकली क्या होती हैं और कैसे हम लोग को इनको इनसे डील करना है और ये कैसे अकर करती है। राइट, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे या तो कॉमेंट में पूछ सकते हैं या फिर आप एक बार वीडियो को रिवॉच भी कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।